यहां देख लो पहले एक बार। चलो बोलना शुरू करूं मैं। बात कर रहे हैं हम किसकी बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हिसाब से कितना है तुम्हारा के? क्या आ रहा है तुम्हारा के? एक सेकेंड रुकोगे क्या? ठीक है, चार मॉडल्स थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। चार चीजें थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितनी चीजें थी? चार। पहला क्या था? कैपम। दूसरा था बॉन्ड यील्ड। तीसरा था डिविडेंड ग्रोथ। और चौथा था अर्निंग प्राइस। चौथा अपन को अभी करना है। कैपम एक बार रिवाइज करा रहा हूं। कैपम क्या बोलता था बेटा? के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। कोई डाउट है क्या? बॉन्ड यील्ड तो बहुत आसान है। क्या बॉन्ड यील्ड क्या बोलता था? आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम। वो सीधे सीधे दे देता था। बोलो हाँ या नहीं? फिर मेन था डिविडेंड ग्रोथ। क्या था बेटा? डिविडेंड ग्रोथ। डिविडेंड ग्रोथ के हिसाब से के ई निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी वन अपॉन पी जीरो, याद है क्या? और डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 कर दोगे तो इजी हो जाएगा। क्या बात समझ में? डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस परसेंटेज भी, ग्रोथ भी परसेंटेज में रहता है, दोनों से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट? इसी से अपन ने एक दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया था जो अभी नहीं आगे वाले चैप्टर में काम आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या था? पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। इतना आपको याद होना चाहिए। इससे प्राइस निकलता है। इससे क्या निकलता है? प्राइस। और मैंने सबके आपको लॉजिक भी बताए थे। सबके मैंने आपके लॉजिक भी रिवाइज करा दिए थे पिछली क्लास में। हाँ आना फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? अब इसके बाद क्या है तुम्हारा? अर्निंग प्राइस रेशियो। क्या है अर्निंग प्राइस? अब समझो, पहले उसके पहले एक बार डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी का मुझे लॉजिक याद दिलाओ। डी वन अपॉन पी जीरो अपन क्यों करते हैं बताओ मुझे? कल जो डिविडेंड मिलने वाला है और आज जो प्राइस लगाया वो हमारा आ जाता है। डिविडेंड से कितना रिटर्न कमाया प्लस हम ग्रोथ से कितना कमाएंगे, तो डी वन अपॉन पी जीरो से आ जाएगा डिविडेंड का रिटर्न, और प्लस ग्रोथ कर देंगे तो किसका रिटर्न आ जाएगा? ग्रोथ का रिटर्न। नहीं समझ में आया क्या? आज मैंने शेयर खरीदा 200 रुपए में और उसमें कल डिविडेंड मुझे मिला 50 रुपए। कल डिविडेंड मुझे कितना मिला? 50 रुपए। तो मैंने कितना कमाया? 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। ये डिविडेंड का रिटर्न हुआ। ये किसका रिटर्न हुआ? प्लस क्या हो गया? ग्रोथ। प्लस क्या हो गया? ग्रोथ। ऐसे ही करते थे अपन, बोलो। हाँ, अब अर्निंग प्राइस रेशियो ये बोलता है कि भैया कमाया सिर्फ डिविडेंड थोड़ी ना है, जितनी अर्निंग है वो सब कमाई है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी हूं। मैं कौन हूं बेटा? एक कंपनी, मैं रिलायंस हूं। बात समझ में आ रही है? तुमने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा, तुमने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा 200 रुपए में। अब तुमने अगर, सुन रहे हो क्या? अब तुमने अगर मेरी कंपनी का शेयर खरीदा है तो उस कंपनी में मैंने कमाया, मेरा अर्निंग पर शेयर है 50 रुपए, ए सॉरी 100 रुपए। कितना है? या चलो एक काम करते, चेंज करते हैं, मेरा अर्निंग पर शेयर है 80 रुपए। अर्निंग पर शेयर कितना है? यानी मैंने पर शेयर कितना कमाया? 80, जिसमें से डिविडेंड कितना बांटा? 50 रुपए। डिविडेंड कितना बांटा? समझ में आ रही? मैंने कमाया पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कितना था मेरा? 80, जिसमें से 50 रुपए मैंने क्या बांटा? डिविडेंड। और 30 रुपए क्या रखा है अपने पास? रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि रिजर्व्स के रूप में। ये बात समझते हो आप? बोलो हाँ। अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? डिविडेंड मॉडल लगा रहे हो, तो तुम अपनी अर्निंग्स कैसे निकालोगे? डी वन अपॉन पी जीरो, यानी 50 रुपए आपको मिले हैं डिवाइडेड बाय 200, डिवाइडेड बाय 200, डी वन अपॉन पी जीरो। तुमने शेयर पिछले साल कितने खरीदा था? 200 का। इस साल मैंने कमाया कितना है? 80। 80 में से मैंने तुमको डिविडेंड कितना दिया है? 50। तो डी वन कितना है? 50। डी वन कितना है? 50। तो 50 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस ग्रोथ, ये तुम्हारा डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी होगा। बोलो हाँ या नहीं? नहीं आया क्या? आया। अर्निंग प्राइस रेशियो बोलता है कि तुमने सिर्फ डिविडेंड थोड़ी कमाया है, जो तुमको मिला नहीं वो भी तो तुम्हारा ही है। नहीं आई कि आई बात समझ में? मैंने कमाया कितना था? 80। तुमको आज डिविडेंड कितना दिया? 50। वो 30 रुपए रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में रखे हुए हैं, भले वो कंपनी के पास रखे हुए हैं, पर उसमें अधिकार किसका है? शेयर होल्डर का। हाँ या नहीं? आज नहीं तो कल वो तुमको बांटा जाएगा। नहीं बांटा जाएगा तो वो बिजनेस में लगाया जाएगा। बिजनेस में लगाया जाएगा तो अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो करेगा, और अल्टीमेटली अर्निंग किसकी ग्रो करेगी? तुम्हारी। यानी भले वो पैसा तुमको हाथ में नहीं मिला, लेकिन वो अर्निंग भी तो तुम्हारा ही पैसा है। नहीं समझे कि समझ गए? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बोलता था? तुम्हारी कमाई क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बोलता? तुम्हारी कमाई क्या है? डिविडेंड प्लस ग्रोथ। अर्निंग मॉडल क्या बोलता है? कि तुम्हारी कमाई डिविडेंड नहीं है, तुम्हारी कमाई क्या है?
अर्निंग पूरी की पूरी तुम्हारी क्या है, कमाई है, चाहे कंपनी ने बांटा या कंपनी ने नहीं बांटा, वो पूरा तुम्हारा ही है। नहीं समझे कि समझ गए? तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई वन अपॉन पी जीरो, वहां पे क्या था, डी वन अपॉन पी जीरो। तब तुम अपनी कमाई क्या मान रहे थे, जो डिविडेंड मिला, अब तुम किसको कमाई मानोगे, जो तुमने कमाया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इवन अपॉन पी जीरो। इसमें प्लस ग्रोथ नहीं है क्योंकि ग्रोथ मॉडल नहीं है, पूरा पैसा ही तुम्हारा क्या मान लिया है, अर्निंग ही तुम्हारी क्या मान ली गई है, पूरी, बोलो हाँ नहीं, जो ग्रोथ है वो अर्निंग से ही होगी, बोलो हाँ नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इवन अपॉन पी जीरो, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। नहीं समझे कि समझ गए, नहीं समझे। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या था, डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी, हाँ, और यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इवन अपॉन पी जीरो इंटू 100। बस नहीं समझे कि समझ गए, ये कौन सा मॉडल होता है तुम्हारा, अर्निंग प्राइस। एक बार बुक में आके देखो, फिर अपन बात करेंगे आगे। आज इस चैप्टर को अपन निपटाएंगे, ठीक है। अच्छा, इवन यानी अर्निंग पर शेयर, इवन यानी अर्निंग पर शेयर। आपने 11वीं 12वीं कक्षा में इवन अर्निंग पर शेयर निकालना सीखा होगा, लेकिन स्टिल मैं एक बार आपको पूरा सिखाऊंगा। पहले एक बार ये फॉर्मूला देख लो बस। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज के इज इक्वल टू इवन अपॉन पी जीरो, इवन अपॉन पी जीरो। और इवन कैसे निकलेगा, एक सेकंड, करेंट ईपीएस हाँ प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इवन। याद है कल अपन ने डी का क्वेश्चन किया था, अगर डी जीरो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डी जीरो दिया था, तो डी वन निकालने के लिए हमने क्या किया था, प्लस ग्रोथ, नहीं आया। वैसे ही अगर ई जीरो दिया हुआ है तो इवन कैसे निकालोगे, प्लस ग्रोथ, नहीं आया। पहले आप करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर निकालोगे, करंट ईयर क्या निकालोगे, अर्निंग पर शेयर प्लस उसमें क्या कर दोगे, ग्रोथ। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इवन, क्या आ जाएगा, इवन। वही लिखा हुआ है, करंट ईपीएस प्लस वन प्लस ग्रोथ, मतलब कुल मिला के ईपीएस प्लस ग्रोथ। हाँ यानी फटाफट बोल दो, नहीं आया, नहीं आया कि आया। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, एक बार ये देख लो। एक चीज होती है तुम्हारी दुनिया में जिसको हम बोलते हैं ईबीआईटी, पता है क्या तुमको, क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने बिजनेस किया, माल बेचा, पैसे आए, खर्चे पूरे माइनस किए, तो मेरा को प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ईबीआईटी, क्या बोल रहा हूं, ईबी यानी सारे खर्चे माइनस हो गए हैं, सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ के, सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ के। तो जो प्रॉफिट आया उसको मैंने क्या बोला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नहीं आया कि आया, उसमें से क्या माइनस किया, इंटरेस्ट, क्या माइनस किया, इंटरेस्ट। तो क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस किया, टैक्स, तो क्या आ गया, पक्का। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, बोलो हाँ। अभी इसमें से हो सकता है कंपनी पहले किसको दे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे, किसको देगी पहले, प्रेफरेंस, बाद में कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, हाँ या ना बोलो। तो इसमें से पहले अगर कुछ है, हर बार होता नहीं है पर अगर है, तो क्या माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या माइनस होगा, नहीं आया कि आया। ये आ जाएगी तुम्हारी क्या बेटा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, क्या आ जाएगी, नहीं समझे कि समझ गए, नहीं आया कि आया। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स से, क्या क्या क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ईएई बोल रहा हूं उसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को डिवाइड करोगे तुम किससे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स से, तो क्या हो जाएगा, ईपीएस, क्या हो जाएगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर ईबीआईटी करेंट ईयर का लिया था तो ये ई जीरो आएगा, और अगर ईबीआईटी एक साल बाद का लिया था तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा ई वन आएगा। नहीं समझे कि समझ गए, अगर आज की ईबीआईटी से ईपीएस निकाल रहे हो तो वो आज का ई वन है, और अगर कल, सुन रहे हो, अगर कल की ईबीआईटी से कल का ईपीएस निकाल रहे हो तो वो क्या है बेटा, ई वन है, क्या है बेटा, ई वन। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इवन अपॉन पी जीरो प्लस जी, नहीं है इवन अपॉन पी जीरो, आया कि नहीं आया, इंटू 100। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग प्राइस के, हाँ यानी फटाफट बोलो, नहीं ईपीएस अगर जीरो है
तो आपने कुछ नहीं कमाया, आपका रिटर्न कुछ भी नहीं है, जीरो है। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं कमाया तो कुछ नहीं है ना बेटा, कुछ नहीं लगा, कुछ देने ही नहीं पड़ा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, क्या आ गया? ईपीएस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, उससे अपन को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अर्निंग, अर्निंग से ही तो ग्रोथ होगी, डिविडेंड से मिल रहा था तो हम उसमें ग्रोथ अलग से ऐड कर रहे थे, क्योंकि जो रिटेन अर्निंग थी उससे ग्रोथ मिल रही थी। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ग्रोथ जुड़ी हुई है। चलो आओ देखते हैं अपन। अ कंपनी हैज करेंटली 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स है, कितने ईच का 100, करेंट अर्निंग्स आर 1.5 लाख, करेंट अर्निंग्स आर 1.5 लाख। कुछ नहीं दिया तो यही मान लेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी दी है। क्या दिया है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितनी दी है? 1.5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अर्निंग पर शेयर निकाल लोगे क्या, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना आ गया? 10, 15 क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय क्या करना है? पी जीरो। इट्स, अच्छा सॉरी, इट्स करेंट प्राइसेस कितना? 112। एंड ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है? 5%। अच्छा ये E0 दिया है कि E1 दिया है? अभी जो 15 आया है वो क्या आया है? करेंटली इक्विटी शेयर्स है और करेंट अर्निंग्स दिए, यानी क्या दिया है? E0। E0 कितना आया तुम्हारा? 15। ग्रोथ कितनी है? 5% की। तो E1 कैसे निकालोगे? 15 + 5% करो, कितना आएगा? 15.7। ये E1 आ गया अपॉन P0। P0 कितना है तुम्हारा? 112 इंटू 100। नहीं आया, बता रहा हूं, सॉरी। देखो करेंट अर्निंग्स कितनी है? 1.5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस 15। ये ईपीएस आज का है कि कल का? आज का, हमें आज का चाहिए कि कल का चाहिए? यानी हमें E1 चाहिए, ग्रोथ कितना है? 5%। तो 15 + 5% कितना होगा बताओ? दिस इज व्हाट बेटा, E1 अपॉन P0 चाहिए अपन को। P0 बोल दिया आज का प्राइस, क्वेश्चन ने बोल दिया P0 कितना है? 112। ये क्वेश्चन ने बोल दिया तो हमने KE क्या निकाल लिया बेटा? E1 अपॉन P0 इंटू 100। E1 कितना है तुम्हारा? 15.75 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100। सॉल्व इट, सॉरी, यानी 14% इज दी आंसर, 14% इज दी आंसर। बस यही आंसर आया तुम्हारी बुक मॉड्यूल में भी, नहीं बना कि बना पक्का, ये कर लो। और फिर मैंने एक चार्ट बनाया था चारों वाला, कैपम, बॉन्ड प्लस यील्ड, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, फिर डिविडेंड ग्रोथ और अर्निंग प्राइस, सबके फॉर्मूले चारों एक साथ लिख लेना। क्लियर है क्या? तो आगे चले कभी दिक्कत नहीं जाएगी। पहले ये कर लो ना, तो फिर क्या है, फिर ढूंढना पड़ेगा उसको। खैर वो तो खुद से भी बना सकते हो, खुद से बनाओगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? कॉस्ट ऑफ डेट, केडी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? केडी। फिर हमने पढ़ा केपी, फिर हमने पढ़ा केई, अब पढ़ेंगे केआरई, यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब सुनना ध्यान से, केडी क्या था? मैंने डेट लिया, इंटरेस्ट चुकाया, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स अपन ने रिडीमेबल रिडीमेबल सब पढ़ा याद है क्या? तो मैंने डेट लिया, उस पर इंटरेस्ट चुकाया, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या था? जो डेट के बदले इंटरेस्ट दिया, बोलो हाँ या नहीं। जो इक्विटी लिया, प्रेफरेंस लिया, तो प्रेफरेंस के बदले भी क्या चुकाया? डिविडेंड चुकाया, तो वो क्या था बेटा? केपी। वो क्या था बेटा? केपी। नहीं आया कि आया? वो क्या था? केपी। पक्का रिकॉर्डिंग ऑन है ना बेटा? अरे यार यहां से ऑन दिख रही है, वहां से पॉज दिख रही है, क्योंकि वहां पे फ्रीज है। ठीक है आ जाओ। तो केपी क्या था? मैंने प्रेफरेंशियल इशू किए,
मतलब मैंने प्रेफरेंस से पैसा उठाया और बदले में उनको क्या दिया, डिविडेंड। डेट के बदले दिया इंटरेस्ट, तो वो कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेफरेंस के बदले दिया डिविडेंड, तो वो कॉस्ट ऑफ डेट। केई में दिया मैंने आपको क्या दिया, डिविडेंड और ग्रोथ। क्या दिया, डिविडेंड और ग्रोथ। तो डिविडेंड और ग्रोथ मिला के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोलो हाँ या नहीं। यानी हमेशा जो मिला उसके बदले जो दिया वही थी हमारी कॉस्ट, बोलो हाँ या नहीं। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है कि मैंने आपको अर्निंग पर मैंने जो पैसे कमाए उसमें डिविडेंड बांट दिया और कुछ अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रख लिया। अब लोगों का ये कहना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स के बदले तो आपको कुछ देना ही नहीं है। अरे डेट के बदले, डेट वालों को इंटरेस्ट चुकाओगे, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड चुकाओगे, इक्विटी वालों को डिविडेंड चुकाओगे, और अपने पास आपने क्या रख लियो, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तो कंपनी का पैसा है, इसके बदले तो आपको कुछ देना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, बोलो हाँ नहीं। लेकिन ये सच नहीं है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या होती है, अब समझना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट होती है, समझना ध्यान से। तुम कौन हो, इक्विटी शेयर होल्डर। तुम कौन हो, तुमको पता है मैंने कंपनी में 100 रुपए पर शेयर कमाया, कितना कमाया 100 रुपए पर शेयर, 60 रुपए तुमको डिविडेंड के रूप में बांटे और 40 रुपए डिविडेंड के रूप में नहीं बांटे। तो क्या तुम भूल जाओगे कि वो 40 रुपए तुम्हारे थे कि तुम याद रखोगे। तुम क्या चाहोगे कि भैया उसको हमको नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, उसको अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करो और उससे एक्स्ट्रा पैसा कमाओ और हमको ग्रोथ दो, बोलो हाँ या नहीं। अगर एक कंपनी है डिविडेंड बांट रही है, एक कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही, जिसको डिविडेंड मिला वो खुश, जिसको डिविडेंड नहीं मिला वो दुखी, वो कंपनी से बोलेंगे हमको डिविडेंड क्यों नहीं दिया, तो कंपनी बोलेगी उसको हमने रोक के रखा है बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने के लिए। तो वो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, हम आप पे भरोसा करते हैं, आप उसको रीइन्वेस्ट करके रखो, लेकिन बजाय हमको बदले में क्या देना, एक्स्ट्रा रिटर्न देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अगले साल। तो क्या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से कुछ कॉस्ट है कि नहीं है, क्या कॉस्ट है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमसे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं वो नहीं आया कि आया, नहीं आया। या इसको एकदम साधारण भाषा से ये बोलूं, एकदम सरल भाषा में बोलूं तो बताओ रिटेन अर्निंग्स किसका पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। रिटेन अर्निंग्स किसका पैसा है, जो के ई होगा वही तो क्या हो जाएगा, के आर ई। नहीं समझे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने पैसे में जो रिटर्न चाहते हैं, जो तुमको पैसा मिल गया डिविडेंड के रूप में, तुम उससे जो रिटर्न चाहते हो वही रिटर्न तो अपने उसी पैसे से चाहोगे जो तुमको नहीं मिला है, जो कंपनी के पास रखा है रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में, नहीं आया कि आया। अरे यार कुछ पैसा तुम्हारे हाथ में है, कुछ पैसा कंपनी के पास है, दोनों पैसा है तो तुम्हारा ही, तो दोनों से रिटर्न इक्वल चाहोगे कि अलग अलग चाहोगे, इक्वल। बात समझ में आ रही, चाहे तुम्हारे हाथ में पैसा हो चाहे कंपनी के हाथ में पैसा हो, पैसा किसका है, तुम्हारा। नहीं आया कि आया, नहीं आया कि आया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को क्या मान लिया जाता है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या मान लिया जाता है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है, अर्निंग्स जनरेटेड बाय द फर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाउएवर इफ द एंटायर अर्निंग्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ इट एंड अ पार्ट ऑफ इट इज रिटेन्ड बाय द फर्म, अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है और कुछ एक पार्ट उसको क्या कर लिया जा रहा है, रिटेन कर लिया जा रहा है, देन द रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट विद इन द फर्म। जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कंपनी उसको क्या करेगी, अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड्स on retained earnings, so it may be argued that retained earnings have no cost as such. तो लोग क्या करते हैं, argue करते हैं, लोग ऐसे अपनी दलील रखते हैं कि retained earnings की कोई cost नहीं होती, पर क्या ये सच है कि नहीं, but this is not true. The cost of retained earnings must be considered as the opportunity cost foregone from dividends. अगर हमको dividend नहीं मिला तो हम चुप नहीं बैठेंगे, बदले में हमको extra return अगले साल चाहिए। नहीं आया कि आया, एनी अर्निंग्स कुड हैव बीन प्रपोज, कोई कहानी वही लिखी हुई है। अब मेन लाइन ये है, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आर ऑफन टेकन एज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो वी कैन से दैट के ई इज इक्वल्स टू के आर। यही वाली लाइन मेन है, के ई इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, के आर। देखा क्या आपको, इट मे बी नोटेड दैट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज नॉट एडजस्टेड टू टैक्स फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड फॉर द अंडर प्राइजिंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को टैक्स से एडजस्ट नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। While the retained earnings, the firm does not in any way incur any such cost and the earnings to be retained earnings are already after tax. यानी जो retained earnings है वो क्या है, already after tax है, cost of equity को after tax करना पड़ता है।
ये टैक्स वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो अभी परेशान मत होना, आगे चल के मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम के साथ समझा दूंगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो, मॉरल ऑफ दी स्टोरी क्या है? केआरई क्या है? इक्वल टू के। केआरई क्या है? इक्वल टू के। जितना आपने केई निकाला है वही क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। नहीं समझे कि समझ गए तो चाहो तो यहां बाजू में लिख दो, चाहो तो यहां बाजू में लिख दो। क्या लिखोगे? K is equals to what बेटा? KR. ये होता है तुम्हारा cost of retained earnings. हाँ या ना, फटाफट जवाब दो। हाँ बेटा, लेकिन समय भी तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना उनको, एक साल बाद दोगे ना। बात समझ में आ रही है? एक और दूसरा साधारण सा एग्जाम्पल देके बेटर समझा सकता हूं मैं तुमको, बताऊं क्या? सुनना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, बोलो हाँ या नहीं, मैं 100 रुपए कमाया हूं, अर्निंग पर शेयर चलो 80 रुपए, मेरा अर्निंग पर शेयर कितना है 80 रुपए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भैया क्या करना है बताओ, डिविडेंड देना है कि रिटेन अर्निंग्स रख लें? तो अब तुम सोच रहे हो कि यार क्या करें, डिविडेंड मांगे कि कंपनी के पास रिटेन अर्निंग। मैंने तुमसे पूछा, किससे पूछा? शेयर होल्डर से। अब शेयर होल्डर ये सोच रहा है कि अगर आप मेरे को डिविडेंड देते हो, अगर आप मेरे को क्या देते हो, उस डिविडेंड को मैं कहीं और पे इन्वेस्ट करूंगा, बैंक में एफडी में रखूंगा या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा। अगर सेम रिस्क के साथ, आपका रिस्क और मेरा रिस्क सेम है, अगर आप मुझे डिविडेंड देते हो उसको मैं मार्केट में लगाता हूं तो मैं 12% रिटर्न कमा लूंगा। कितना परसेंट रिटर्न कमा लूंगा? सुन रहे हो? तो अब शेयर होल्डर कंपनी से पूछेगा, अगर तुम रिटेन अर्निंग्स रखते हो और अपने बिजनेस में वापस लगाते हो तो अपने बिजनेस से कितना कमा लोगे? कंपनी बोल रही है हम 10% कमाएंगे, तो तुम क्या बोलोगे? रहन दो, मत रखो रिटेन अर्निंग्स, पूरा मेरे को क्या दे दो? डिविडेंड दे दो, क्योंकि मैं कहीं और लगा कितना कमाने वाला हूं? 12। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? पक्का? तुम कंपनी को कब रखने दोगे वो पैसा? जब कंपनी कितना कमाए? 12 या उससे ज्यादा। बात सुन में, 12 में भी दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद 12 कमाऊंगा, तुम 12 कमा के दे रहे हो, बोलो हाँ या नहीं। यानी जो शेयर होल्डर के पैसे की जो वैल्यू है उसके दिमाग में, जो वो बाहर इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी है? 12%। तो वो रिटेन अर्निंग से भी कितना रिटर्न चाहता है? 12%। नहीं आया कि आया? मेरे पैसे की वैल्यू जितनी मैं रिटर्न चाहता हूं उतनी ही रिटर्न तुम मेरे को दे दो, तो रिटेन अर्निंग्स रख लो, अगर उससे कम दोगे तो मत रखो। नहीं आई कि आई बात समझ में? हाँ पूछो। तो मैं भी कहीं और लगाऊंगा तो वहां भी तो अपडाउन हो ही सकते हैं, अनसर्टिनिटी रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? सेम रिस्क बोला ना मैंने, कि मैं कहीं सेम जितना इस कंपनी में रिस्क लेना उतना ही कहीं और कंपनी में रिस्क लेके अगर लगाता हूं तो कितना कमाता हूं? 12। कितना कमाता हूं? 12। तो मैं अगर कुल मिला के मेरे हाथ में जो डिविडेंड आया, क्या मेरे हाथ में जो डिविडेंड, मैं उससे जितना कमा सकता हूं, अगर उतना या उससे ज्यादा तुम कमा पाओगे तो तुम रिटेन्ड अर्निंग्स रखो, वरना पूरा मेरे हाथ में डिविडेंड दे दो, मैं देख लूंगा मुझे अपने पैसे का क्या करना है। नहीं समझे कि समझ गया? बहुत आम भाषा में मैंने समझाया, नहीं आया कि आया? और प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली आपको बस ये याद रखना है कि KR is equal to what बेटा K। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया? KD KP KE KRE ठीक है क्या? अब हम स्टार्ट करेंगे WACC। क्या स्टार्ट करेंगे? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या 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 ठीक है क्या? एक सेकेंड आ जाओ। अब हमको क्या पढ़ना है? WACC क्या पढ़ना है? WACC बोले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब अब हम निकालेंगे ओवरऑल कंपनी की कैपिटल की कॉस्ट, ओवरऑल कंपनी की कैपिटल की कॉस्ट। अब एक कंपनी है ए, सुन रहे हो क्या? उसने, उसकी कैपिटल है कितनी? 30 लाख की। कितनी कैपिटल है? 30 लाख। अब ये 30 लाख में उसने इक्विटी ली है 12 लाख की। हाँ आ रहा है समझ में? डेट लिया है, प्रेफरेंस लिया है 8 लाख का, ठीक है, और डेट लिया है 10 लाख का। तो उसकी ओवरऑल कैपिटल कितनी हो गई है? 30। बोलो हाँ या नहीं? आपको के ही निकालना सिखा दिया है हमने, बोलो हाँ। हमने क्या निकालना का सिखा दिया है? के। तो उससे आप के ही निकाल लोगे,
फिर आप प्रेफरेंस है तो केपी निकाल लोगे, और फिर डेट है तो आप क्या निकाल लोगे, बोलो हाँ या नहीं। अब इन सब का मिला के क्या निकाल लोगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या निकाल लोगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, क्या आपका के ही है मान के चलो 15%, कितना है, अरे कहां गया, के ही कितना है 15, कोई डाउट है क्या, केपी है 12 और डेट कितना है 10%, नहीं आ रहा है कि आ रहा है, के ही कितना है 15, वैसे आपको दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा, पर क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूं इसलिए वैसे आपको निकालने पड़ेंगे सब, ठीक है। के ही कितना है 15, केपी कितना है 12 और केडी कितना है 10। अब आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बता सकते हो क्या, सबको प्लस कर दें क्या, तो क्या 15 + 12 + 10 हो जाएगा, तो 29% तो गलत हो गया ना बेटा। अब समझो 15% वाला कितना पैसा है 12 लाख। कायदे समूह क्या निकालना चाहिए, एवरेज, कैसे कायदे समूह क्या निकालना चाहिए, एवरेज, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 30 कर सकते हैं, रुक जाओ करना नहीं करना नहीं करना नहीं, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 30 कर सकते हैं, लेकिन जब तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 30 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 15% वाला इक्विटी है उससे 12 लाख रुपए आए, जो 12% वाला इक्विटी है उससे 8 लाख रुपए आए, और 10% वाला इक्विटी उससे 10 लाख, क्या तीनों से बराबर बराबर पैसे आए हैं क्या, तो क्या सिंपल एवरेज निकाल सकते हो क्या, नहीं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज, क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड है। अब अपन निकालते हैं वेटेड एवरेज, पहले वेट्स देते हैं, क्या देते हैं, वेट्स, हमारी टोटल कैपिटल कितनी है 30 लाख, उसमें इक्विटी कितनी ली है हमने 12 लाख, हाँ, तो इक्विटी का वेट कितना हुआ 12 / 30 × 100, निकालो कितना होगा, ये क्या हो गया 40%, ये क्या हो गया वेट ऑफ इक्विटी, यानी टोटल 30 लाख में 40% कौन सा है, इक्विटी है, नहीं आया समझ में, 8 / 30 ये क्या है वेट ऑफ प्रेफरेंस, हाँ, और 10 / 30 क्या आ गया वेट ऑफ डेट, हाँ रोल करोगे तो 100 आएगा, आना ही चाहिए, बोलो हाँ या नहीं, और आ ही जाएगा, समझ गए। अब 15% वाले पैसे का कितना वेट है 40%, 20 वाले कितना है 26.6% और 10 का कितना है 33.3%, हम वेट को परसेंट मिलेंगे, बाकी को नॉर्मल फिगर्स मिलेंगे, मैं अभी रूल बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर आएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे 15 × 40% करो, सिक्स परसेंट + हाँ, फिर 12 × 26.67% 3.204 + हाँ, फिर 10 × 33.33% 3.3 + MRC 12.53 बोल देते अपन, ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC, ये क्या हो गया WACC। एक बार फिर से बोलता हूं, सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया के, सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया के, फिर केपी, फिर केडी, फिर सबका वेट 40%, 26%, 33%, बोलो हाँ या नहीं, जो 15% कॉस्ट लग रही है उसका वेट कितना है 40%, बोलो हाँ या नहीं, तो 15 × 40% + अरे हाँ बोलना यार, फिर 12 लग रहा है,
12 का वेट कितना है 26.67%, तो 12 into 26.67% एम प्लस, अरे नहीं आ रहा है कि आ रहा है, और फिर कितना बेटा 10 into 33.33% एम प्लस, और आखिरी में क्या आ जाएगा एमआरसी, आखिरी में क्या आ जाएगा एमआरसी। अगर मैं बोलूं डब्ल्यू ए सी सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी के डी यानी वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस डब्ल्यू ई के ई वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डब्ल्यू पी के पी वेट ऑफ प्रेफरेंस इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। यही तो आपने किया है बेटा, 15 into 40% यही तो किया आपने, फिर 12 into 26.67%, अरे हाँ, और फिर 10 into 33.33%, हाँ या नहीं बोलो ना यार, और सबको आपस में क्या कर दिया प्लस, सबको आपस में क्या कर दिया प्लस, हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर में किया इसलिए एम प्लस एम आर सी का यूज किया, बोलो हाँ या नहीं, सब करके प्लस करके आंसर कितना आया तुम्हारा 12.53%। ये तुम्हारा क्या हो गया डब्ल्यू ए सी सी, क्या हो गया डब्ल्यू ए सी सी। नहीं समझे कि समझ गए, नहीं समझे, आप किसी एक कंपनी की आप क्या निकाल सकते हो, केडी भी निकाल सकते हो, केई भी निकाल सकते हो, केपी भी निकाल सकते हो, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हो। नहीं समझे कि समझ गए, वेटेड कैसे निकाला, मतलब वेट कैसे निकाला, आपका 30 लाख की कैपिटल है, 30 लाख की कैपिटल है, अब मैं थोड़ा ये वाले फिगर्स की जगह अपने फिगर्स ले रहा हूं, 30 लाख की कैपिटल है उसमें से 15 लाख इक्विटी है, 15 लाख क्या है इक्विटी, तो बताओ वेट ऑफ इक्विटी कितना है अमंग टोटल कैपिटल 50%, नहीं आया, अबे 30 लाख की कैपिटल है, कितनी कैपिटल है 30 लाख की, जिसमें से 15 लाख रुपए कहां से आए इक्विटी से, 15 लाख रुपए कहां से आए, तो वेट ऑफ इक्विटी कितना होगा 50%, नहीं आया, अबे 15 का आधा 30 वे नहीं आ रहा है, यहां पे इक्विटी कितनी है 12 की और टोटल कितना है 30, तो वेट ऑफ इक्विटी कितनी आई 12/30 × 100, नहीं आया, वेट ऑफ प्रेफरेंस कितने आया 8/30 × 100 और 10/30 × 100 33.33%, नहीं समझे कि समझ गए। वेट निकालना बहुत आसान है, टोटल में कितना हमारा वजन है, अगर हम सब मिलकर 1 लाख की कॉन्ट्री करते हैं, 1 लाख की क्या करते हैं कॉन्ट्री, 90,000 मैंने दिए, तुम सबने मिला के 10,000 दिए, तो मेरी कंट्री का वेट कितना होगा 90%, ज्यादा क्या बोलो ना बे, 1 लाख में 90,000 तो कितना वेट होगा 90%, हाँ, बाकी सबने मिला कितने दिए 10,000, 10,000 में से इसने दिए 2,000, तो 1 लाख में इसका वजन कितना है 2,000, तो कितना होगा 2%, नहीं आया, तुमने दिए 1,000 तो कितना हो जाएगा 1%, नहीं आया, तुमने दिए 500 तो 500 डिवाइड बाय 1,00,005%, नहीं आया कि आया, पक्का ये होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके 2 से 3 क्वेश्चन या कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आपके फाइनल सीएस के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्या बात समझ में आ रही है, इसको अच्छे से नोट कर लो, हेडिंग डाल लो WACC, क्लियर है क्या, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिर लिख सकते हैं, ठीक है क्या, पॉज करके लिख सकते हैं, WACC इक्विटी प्रेफरेंस डेट था 12/8/10 30 लाख मैंने मन से दिए 12/15/12/10, आपको हो सकता है एग्जाम में निकालने पड़े, पहले के ई निकालना पड़े, फिर के डी निकालना पड़े, फिर के पी निकालना पड़े और फिर डब्ल्यू एस सी निकालना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, अपन क्वेश्चंस करेंगे भी हर प्रकार के, ठीक है पहले इसको नोट कर लो, चलेगा क्या, मैं शॉर्टकट भी दिखाऊंगा बेटा आगे चल के, ठीक है फिर अपन आगे चल के बात करेंगे, तो अभी परेशान मत होना, बस क्वेश्चन करना, ठीक है आओ, कृतिका लिमिटेड, क्या बेटा इस करेंटली फाइनेंस विथ, तो यहां पर रुपीज लिखा होना चाहिए, रुपीज 10 लाख ऑफ 7% बॉन्ड्स, यानी उसके पास क्या है 10 लाख रुपए के 7% बॉन्ड्स हैं एंड 2 लाख रुपए के कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक यानी कि इक्विटी, क्या बात समझ में आ रही है, तो अगर मैं इसका फाइनेंस देखूं तो कैसा है, उसके पास डेट कितने का है 10 लाख का और इक्विटी कितने की है 20 लाख की और टोटल कैपिटल कितनी है 30 लाख की, हाँ या ना, फटाफट बोलो क्या वेट निकाल सकते हो फटाफट, कैसे निकालोगे 10/30 तो ये हो जाएगा 66.3
सिक्स फोर टोटल तो 100 ही आना है ना, 6 6 कर लो, चलो जैसा ठीक लगे। समझ गया कि नहीं समझ गए? 6 7 सॉरी 6 4 क्यों बोल दिया, 6 7 नहीं आएगी, आया ये आया। अब क्या करना है अपन को, क्या चाहिए, केडी और के ही चाहिए। द स्टॉक हैज अ बीटा ऑफ 1.5, उसका बीटा कितना है 1.5, रिस्क फ्री रेट कितना है 4, एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी आरएफ माइनस आरएफ करके दे दिया, कितना दे दिया 3.5। हाँ या कि नहीं, क्या के ही निकाल पाओगे? हाँ। एंड मार्जिनल टैक्स ऑफ रेट कितना दिया है 35%, यानी टैक्स रेट कितना दिया है 35%। केडी निकाल पाओगे क्या? कैसे, डेट कितने परसेंट वाला है, कितने परसेंट वाला है 7%, 7 माइनस 35% करो कितना आएगा, 4.5। ये क्या आ गया तुम्हारा केडी, हाँ अच्छा के ही बताओ कितना आएगा। तुमको आरएफ दिया है 4 प्लस आरएफ माइनस आरएफ दे दिया कितना 3.5 इंटू 1.5 3.5 इंटू 1.5 प्लस 4 कितना आएगा बताओ, ये आ गया नहीं आया कि आया? हाँ। अब आपके पास क्या है, कॉस्ट भी है और वेट भी है, नहीं आया समझ में, आपके पास क्या है, कॉस्ट भी है और वेट भी है, WACC निकाल के दिखाओ, 4.55 का 33.33% और 9.25 का 66.67% M+MRC। बाकी लोग को कर लें दो एक बार, सेवन पॉइंट सिक्स एट, हाँ या नहीं फटाफट बोलो, क्या हो गया कितना आया तुम्हारा, 4.55 into 33.33% और 9.25 into 66.67%। चलो बाकी लोग का आया, सबका सबका आया बोलो, तो मैं इसका शॉर्टकट बताऊं, एक और क्वेश्चन दे दूं फिर कराओगे, कराऊं शॉर्टकट, वैसे मुझे लग रहा है शॉर्टकट बस सुन लो, बने तो ठीक, नहीं तो लॉन्ग कट तो आता ही है, वैसे बहुत इजी है। बोलूं क्या, तुमने क्या किया, 10 divided by 30, 33.33% निकाला, फिर 20 divided by 30 into 66.67% निकाला, और फिर सॉल्व किया, बोलो हाँ या नहीं। पहले कॉस्ट निकाल लो 4.55 और 9.25 निकाल लो, बोलो हाँ या नहीं। तुम सीधे एक बार करो सॉल्व, क्या करो 4.55 into 10 divided by 30, एक ही बार में हो जाएगा ना, वही हुआ लेकिन एक ही बार में हो जाएगा, नहीं आया समझ में। तुमने 33.33% कैसे निकाला, 30 into 100, तुम मत करो, तुमने कॉस्ट निकाल ली 4.55, बोलो हाँ या नहीं, फिर उसको 33.33% से मल्टीप्लाई किया, हाँ इससे अच्छा क्या करो 4.55 into 10 divided by 30 M+ 4.55 into 10 divided by 30 इक्वल टू, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा M प्लस में जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। फिर क्या करोगे 9.25 into 20 divided by 30, फिर M+MRC, नहीं समझेगी समझ गए, इंटू 100 करने की जरूरत ही नहीं है ना, रुको 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 4.55 लो, चलो 4.55 into 10 divided by 30 M+ हाँ 9.25 into 20 upon 30 M+ MRC
लॉजिक समझे, एक बार 10 अपॉन 30 करो, एक बार 20 अपॉन 30 करो, फिर लिखो और फिर मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा सीधे सीधे क्या है, कैलकुलेटर अलाउड है, 4.55 इनटू 10 अपॉन 30 एम प्लस, हाँ फिर 9.25 इनटू 20 अपॉन 30 एम प्लस एमआरसी। कितनों को समझ में आ गया शॉर्टकट, हाथ उठा दो। जिसको डाउट लग रहा है वो शॉर्टकट में मत जाना, वो लॉन्ग कट में करो, एक आध क्वेश्चन कर लो। हाँ बेटा 4.55 अपने आप में काय में है, परसेंट में ही तो है, 4.55 तो रुपी परसेंट में ही है ना, इनटू 10 अपॉन 30 किया वो तुम्हारा रेशियो में हो गया, 4.55 तो परसेंट में ही है, इसलिए आंसर तुम्हारा परसेंट में सीधे आ जा रहा है। क्यों करना है परसेंट, नहीं समझे कि समझ गए, नहीं आया। चलो एक काम करो, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है आ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, अगला क्वेश्चन ये आ गया। अबे 7.68 आया है कि नहीं आया है? हाँ शॉर्टकट के लिए बाद में परेशान होना, पहले भी लॉन्ग कट तो कर लो। अगला इसको लिख के करना है क्या, इस वाले क्वेश्चन को ही, इसको एक बार अच्छे से लिख के कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अ कंपनी हैज अ डेट ऑफ रुपीस 20 लाख, अ कंपनी हैज अ डेट ऑफ रुपीस 20 लाख, हैज अ, एक काम करता हूं, टेन परसेंट डेट ना ऑफ रुपीस 20 लाख एंड इक्विटी ऑफ रुपीस 30 लाख एंड द बीटा ऑफ कंपनी इज 1.2 वेयर आरएफ इज 6% एंड आरएम इज 10%, कैलकुलेट डब्ल्यूएसीसी। टैक्स रेट नहीं दिया ना मैंने, टैक्स रेट 30% करके दिखाओ। ये बनेगा क्या, ऑनलाइन वाले पॉज करके कर ली, आ जाओ देख लो कैसे करना है। सबसे पहले लिख लिया करो डेट और इक्विटी कितनी कितनी है, कितनी कितनी है मुझे बताओ, 20 लाख और 30 लाख मिला के हो गई 50 लाख। 20 लाख क्या है डेट और 30 लाख क्या है इक्विटी। अच्छा अब डेट 20 लाख है तो पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लें, कितना है 10 माइनस 30% यानी कितना हो जाएगा 7% केडी हो गया। बोलो हाँ नहीं आया कि आया, के ही देख लो कितना आएगा, के ही कितना होगा आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। हाँ आरएफ कितना है मुझे बताओ, आरएफ कितना है 6% प्लस आरएम माइनस आरएफ कितना है बताओ,
दस माइनस छ यानी कितना हो जाएगा, चार इंटू वन पॉइंट टू, यही बोला था, चार इंटू वन पॉइंट टू प्लस सिक्स कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा 10.8। कोई डाउट है क्या? अब ये क्या हो जाएगा 10.8, ये क्या हो गया तुम्हारा कॉस्ट हो गई दोनों की, बोलो हाँ। अब चाहो तो निकाल लो, अच्छा परसेंट से करके निकालना है कि सीधे करना है, सीधे करें, सात इंटू वेट, सात इंटू वेट, वेट कितना होगा इसका 20/50, हाँ तो सात इंटू 20/50 एम प्लस, पक्का, फिर 10.8 इंटू 30/50 एम प्लस और एम आर सी, इसलिए आंसर नहीं आया कि आया, पक्का वैसे करना तो 20/50 × 100 वेट, 30/50 × 100 वेट और कॉस्ट इनटू वेट और कॉस्ट इनटू वेट, कितनों को आ गया आंसर 9.28, फटाफट हाथ उठा कर, कितनों को नहीं आया हाथ उठाओ, जब मैं बता रहा होता हूं तो तुम लिख रहे हो, तो सबसे बड़ी समस्या यही है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप अगला वाला इलस्ट्रेशन ट्राई करके आएंगे, कौन सा वाला, एग्जांपल नंबर 15, इसका सोल्यूशन मत देखना प्लीज, नहीं ये रहने दो, ये मैं क्लास में ही करा दूंगा, ये मैं क्लास में ही करा दूंगा, नहीं दे रहा हूं कुछ भी होमवर्क, ठीक है क्या, एक क्वेश्चन बना के दे दूं, चलो ठीक है, अ कंपनी हैज टोटल कैपिटल ऑफ 60 लाख, ठीक है, आउट ऑफ विच 18 लाख इज फ्रॉम इक्विटी एंड बैलेंस फ्रॉम डेट, बैलेंस फ्रॉम 6% डेट, ठीक है, आर एफ ए 4%, रिस्क प्रीमियम इस 8%, एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1.6, टैक्स रेट 40%, बन जाएगा क्या, बन जाएगा, ये होमवर्क है, आप एक बार करके आएंगे, इसका आंसर अपन कल डिस्कस करेंगे, चल जाएगा क्या, चलो आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।